हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड ईयर के अंतर्गत जो काम चल रहा है, उस काम में खासकर अपन इससे पहले जो पढ़ा था वो ही पढ़ा था कि इसके अंतर्गत जो देखने की प्रक्रिया होती है सिस्टम ऑफ मान। यह आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ ही हमारा क्या है ये खत्म हो जाएगा। क्या नाम से क्या ये काम है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नर्वस सिस्टम ऑफ मान। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, तंत्रिका तंत्र इसके अंतर्गत झींगे के अंतर्गत। तो हम झींगे की जैसे ही बात करते हैं तो झींगे के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो झींगा है प्राण है वो किसका है, आर्थ कोटा का है, आर्थ कोटा का सदस्य है। साथ ही अगर हम बात करें तो एनेकिंडा जो संघ है लीला, इस एनेलीला के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र है वो किस प्रकार का पाया जाता है विकसित। तो एनेलीला के बाद का पता आता है तो हम कह सकते हैं झींगे के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, विकसित प्रकार का पाया जाएगा। विकसित से कहने का मतलब है इसके अंतर्गत सीएनएस पीएनएस और एएनएस, यानी कि जो झींगा होता है उस झींगा का जो नर्वस सिस्टम होता है नर्व एवं सूक्ष्म कोश से लेकर बना हुआ होता है और वो तीन भागों में डिवाइड रहता है, यानी कि तंत्रिका और गुच्छक। तंत्रिका और तंत्रिका गुच्छक से मिलकर बना होता है। साथ ही कहें कि जो झींगा है उस झींगा का दूसरा है इसके अंतर्गत पेरी पेरल नर्व सिस्टम और तीसरा है इसमें ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, यानी कि तीन प्रकार से इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो डिवाइड रहता है। केरल नर्व सिस्टम रहता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम रहता है और ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। लेकिन अगर इनको बोला जाए तो ये तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, किसको बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और किसको बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार से जो प्राण होता है उसका तंत्रिका तंत्र तीन भागों से मिलकर बना हुआ है। अब अपन इसके तंत्रिका तंत्र की जैसे की बात करते हैं तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और इस डायग्राम से अपन तंत्रिका तंत्र को इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या है, कुछ नर्व पाई जाती है और नर्व को अपन को लिखना है। ये जो डायग्राम आपको पता लगा है इस डायग्राम के अंतर्गत कंप्लीट नर्व है जो इसके अंतर्गत पाई जाती है। आपको देखो सबसे पहले ये क्या दिखाई दे रहा है ब्रेन, यानी कि इसका क्या है मस्तिष्क। साथ ही इसके बाद में जो ये नीले रंग की निकल रही है ये सभी क्या है तंत्रिकाएं हैं और इन तंत्रिकाओं में से सबसे पहले
लड़ी नारू ये एंटी मैरिकल नर्वस सेल करती है। इसको बोला जाता है क्या? स्टेटोसिस्ट नर्व, स्टेटोसिस्ट नर्व। इसके बाद में यहां जो देखेंगे आप ये वाले जो नर्व है इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। इसके बाद में आपको ये जो नर्व दिखाई दे रही है जब मैं इसको इधर की साइड में देता हूं ये जो नर्व है इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। और ये जो नर्व है ये एंटी नर्व है, एंटी नर्व बता रही है। एंटी नर्व उसके बाद में जो नर्व आती है इसके अंतर्गत ये जो नर्व होती है तंत्रिका, ये टेलीमेंटल नर्व है यानी तंत्र आवरण होता है उसको जाती है। टेलीमेंटल नर्व इसके बाद में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये जो संरचना है ये संरचना फंक्शनल गैंग्लियो है यानी कि इसको संयोजिता गुच्छक के नाम से जाना जाता है। फंक्शनल का मतलब होता है संयोजिता और गैंग्लियो का मतलब क्या होता है? गुच्छक। एक संयोजक गुच्छक होता है जो कि क्या है ब्रेन के नीचे डिवाइड किया है, ब्रेन के नीचे उपस्थित रहता है, तो मस्तिष्क होता है उसके नीचे ये पाया जाता है। इसी के अंतर्गत अनेक तंत्रिकाओं का जो जाल होता है जिसे विजनल गैंग्लियो के नाम से जाना जाता है, अंतराण गुच्छक के नाम से। मिश्रण का मतलब होता है अंतराण गुच्छक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो इसको नाम दिया गया है सर्वम इसोफेगियल कमिश्नर यानी कि इसको ब्रसिका गुच्छक के नाम से इसको जाना जाता है। अब जैसे बारे बात करते हैं इसको नाम दिया गया है बैंकर थोरेसिस गैंग्लियो, ये जो है इसका नाम है बैंकर थोरेसिस गैंग्लियो। इसको बेटा थोरेसिक गैंग्लियो के नाम से इसको जाना गया है। गैंग्लियो निक मास, गैंग्लियो निक मास के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही इससे निकलने वाले जो तंत्रिका है उनका भी हम नामकरण करेंगे। और ये जो निकलने वाले तंत्रिका है इनको एब्डोमिनल गैंग्लियो के नाम से जाना जाता है। एब्डोमिनल गैंग्लियो ये जो इधर भाग के अंतर्गत पाई जाती है और इन सबको किसके नाम से जाना जाता है? एब्डोमिनल गैंग्लियो के नाम से जाना जाता है, एब्डोमिनल गैंग्लियो के नाम से इनको जाना जाता है। अब आप नामकरण करते हैं ये जो एक बार 2 3 4 5 ये जो पांच नर्व निकलती है ये 5 बाल्बिंग ले यानी कि जो इसके प्राउन के पांच जोड़ी की चलन पार होती है उनको ये नर्व जाती है। साथ ही में आपको ये जो 3 जोड़ी नर्व दिखाई दे रही है ये 3 जोड़ी 3 पेयर मैक्सिलरी 3
ये तीन प्लेयर नेक्स्ट सिटी को जाती है। अब यहां से जो टर्न है इनको अपन काउंट करते हैं, ये जो टर्न है ये वाली ये होती है मेंडिकुलर नर्व, मेंडिकुलर नर्व। ये क्या है? मेंडिकुलर नर्व है। उसके बाद में जो दो जाती है वो होती है मैक्सिलरी एंड मैक्सिलरी। और एक है इसके अंतर्गत मैक्सिलरी नर्व। इसके अंतर्गत वन पेयर ये वाली है, ये तो क्या है मैक्सिलरी है, यानी इसे लघु चमड़ी का अंग ये है चमड़ी का, इस नाम से इसको जाना जाता है। फिर हम जैसे ही आगे चलते हैं तो इसके अंतर्गत तीन जो पेडल नर्व होती है ये एब्डोमिनल पार्ट के अंतर्गत पाई जाती है। ये सिक्स होती है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स। इसमें से जो प्रत्येक से तीन जोड़ी नर्व निकलती है और वन टू थ्री ये वाली जो नर्व है ये पेडल नर्व कहलाती है, पेडल नर्व। अर्थात ये जो नर्व होती है वो पेनोपोन्स को जाती है। पेनोपोन नर्व भी आप उनको कह सकते हैं। उसके बाद में चौथी पांचवी और जो छठी की हम बात करते हैं, चौथी और पांचवी जो चौथी है वो नर्व एक्सटेंशन मसल, यानी कि ये जो नर्व होती है वो एक्सटेंशन को जाती है, यानी कि इसको हिंदी के अंतर्गत जो बोला जाता है ये एक फ्लेक्चुअल या फिर लंबा एक्सटेंशन नर्व का मतलब होता है इसमें पसारे पेशी एक्सटेंसो मसल्स। ये जो है और मसल इसको ये जाती है और इसको बोला जाता है प्रसारणीय पेशियां, यानी कि पेशियों को प्रसार करने का कार्य करती है नर्व को एक्सटेंसन मसल। उसके बाद में जो जाती है अगली जो नर्व के पास करते हैं तो नर्व वो होती है फ्लेक्सुलर मसल। ये मतलब अपोचनी पेशी के नाम से ही आप कह सकते हैं इसको, जो फ्लेक्सिबल जाती है फ्लेक्सिबल ये अपोचनी पेशी के नाम से जानी जाती है। अपोचनी अपोचनी जो पेशी होती है उस अपोचनी पेशी के नाम से इसको फ्लेक्सिबल और मसल होती है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में नर्व को यूरोपोन, ये जो नर्व होगी अब ये जो नर्व होती है जो लास्ट वाली है वो किसको जाती है आपके हिंड गट को जाती है, हिंड गट को जाती है, हिंड गट यानी कि जो पश्चात होती है उसको ये जाती है। तो देखिए इसके प्रारंभ के अंतर्गत इतने प्रकार की जो नर्व है वो पाई जाती है और अब इन नर्वों को आपको सिस्टम है वो एक तरीके से हम समझेंगे। ये हम समझ चुके हैं कि जो झींगा होता है उस झींगे के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है, विकसित प्रकार का होता है।
एस, इसको मतलब बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो किसके अंतर्गत अपन को क्या लेना है, ये जो चंतु है उसके मध्य अक्ष से जो प्रारंभ होता है उस नाम के मध्य अक्ष से होकर गुजरता है, तो गुजरता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें लिख सकते हैं आप मध्य अक्ष से गुजरता है, किससे गुजरता है, मध्य अक्ष से, किसके प्राव का जो मध्य शरीर होता है उसका जो मिड पोस्ट होता है वहां से होकर ये गुजरता है, और जिसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं, इसके अंतर्गत जो भाग आने वाले हैं, सबसे पहला जो भाग है वो तो ये क्या है, ब्रेन है, वो इसके अंतर्गत आता है। एक इसके अंतर्गत सर्कल ईसोफेसियल आता है, ये दूसरा जो भाग है सर्कल ईसोफेसियल, पंगुशिया सर्कल ईसोफेसियल, पंगुशिया इसके अंतर्गत आता है। एक तो ये आता है इसके अंतर्गत सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियो, ये रहा वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियो, ये भी इसके अंतर्गत आता है। लेते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियो भी इसके अंतर्गत आता है, और लास्ट जो इसके अंतर्गत आता है वो आता है वेंट्रल नर्व, वेंट्रल नर्व। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सीएनएस हम जैसे पढ़ते हैं उसके अंतर्गत चार पार्ट आते हैं, पहला कौन सा है ब्रेन है, दूसरा कौन सा है सर्कल ईसोफेसियल कमिश्नर है, तीसरा कौन सा है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियो है, यानी कि पहला है ये जो मस्तिष्क है ये इसके अंतर्गत आ गया, दूसरा सर्कल ईसोफेसियल गैंग्लियो है ये जो सर्कल ईसोफेसियल गैंग्लियो ये इसके अंतर्गत आता है, अब तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियो इसके अंतर्गत आता है, और चौथा है इसको मतलब वेंट्रल नर्व लोब के नाम से जाना जाता है, मतलब इसको वेंट्रल लोब गैंग्लियो के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम सबसे पहले इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं जो ब्रेन है, इसका जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से निकलने वाले जो तंत्रिकाएं हैं वो कौन सी, या ब्रेन के अंतर्गत अपन क्या लिख सकते हैं। तो प्राव में जो रोस्टर होता है उसके अदर भाग में जो रोस्ट्रम होता है उस रोस्ट्रम के अदर भाग में क्या पाया जाता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क पाया जाता है, और जो कि ग्रसिका के ऊपर स्थित होता है, जो ग्रसिका है ईसोफेसियल है ये ग्रसिका यानी कि इसके ऊपर क्या होता है, ये ग्रसिका के ऊपर स्थित होता है, और ये कैसी है द्विपालिक संरचना है, दो लोब से मिलकर बनी हुई होती है द्विपालिक संरचना है, और साथ ही इसके अंतर्गत अगर आप लिखना चाहे तो इतना हम लिख सकते हैं कि इसके जो निर्माण या गैंग्लियो के संयोजन से होता है, इसका जो निर्माण होता है वो दो गैंग्लियो के इसके संयोजन से होता है, केवल ब्रेन के अंतर्गत हमको इतना लिखना है। सर्कल ईसोफेसियल कमिश्नर के केस की बात है तो सर्कल ईसोफेसियल जो कमिश्नर होता है वो कान मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, साथ ही इसमें यह भी लिखना होगा कि इसके चारों ओर या पर कहे इसके चारों ओर से जो तंत्रिकाएं होती है वो इसको घेरे लेती है, सर्कल ईसोफेसियल कमिश्नर होता है चारों ओर से इसके अंदर तंत्रिकाएं वो घेरे लेती है, इसके मध्य में तंत्रिका जो तंत्रिकाएं निकलती है जो कि अर्धा का फूल डालती है, साथ ही इस तंत्रिका को चलती पाए जाते हैं, और दोनों जो तंत्रिकाएं
जाता है अपने आसपास की संगीतिका है जो उसको जोड़ती है। जंबी का पात्र को जानते हैं, जंबी का
क्या है, तो ये ग्राइंडर प्रोसेसिंग इंजीनियर की हो गई। उसके बाद का तीसरा अगर देखते हैं तो ग्राइंडर नल कोड आता है, ग्राइंडर नल कोड आता है। और इस ग्राइंडर नल कोड की हम जैसे ही बात करें तो इससे छह उद्योग खंड होते हैं, तो जैसे तीन तीन तंत्रिका की करती है, लेकिन प्रथम तीन जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, होते हैं पल्प पाद होते हैं। सॉरी इसको यहाँ पल्प पाद की बेटा ये है चलन अंग, चलन अंग ये क्या है चलन अंग है। इसमें सिर्फ तीन जोड़ी को माना जाते हैं पल्प पाद को जाते हैं। उसके बाद में सबसे एक जो बिंदु होता है वो प्रसार पेशी को जाता है, प्रसार पेशी को जाता है। दूसरा जो है अपरोचित पेशी को जाता है, अपरोचित पेशी को जाता है। दूसरा कहाँ जाता है भाई, अपरोचित पेशी को जाता है। उसके बाद में है इसमें जो नर्व कोड को जाता है, सॉरी नर्व कोड नहीं, यूरो कोड को जाता है, यूरो कोड को जाता है। फिर टेंशन को जाता है, टेंशन को जाता है। और फिर टेंडर इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है इनका प्रसार होता है, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा इसके अंतर्गत आता है वो आता है एएनएस ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम, इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से उसको जाना जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको निकलना होता है ये जो प्रांत है, प्रांत की कोटि को आकार के मध्य कुछ तंत्रिकाएं जो कंसुलेशन का निर्माण करती है और छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण कर लेती है जो संवेदना को ग्रहण करते हैं। तो ये कोटि को एवं जो प्रांत होता है उसकी आधार कोटि को और उसकी आहरणा एलिमेंट की जो कैनाल है उस कैनाल को ये जाती है और जाने के संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत जो अपना तंत्रिका तंत्र है वो तीन पार्टों के अंतर्गत वो कंप्लीट होता है। तो इसके अंतर्गत आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसका जो नर्व सिस्टम है इसको आप सीधा सा डिवाइड कर लेंगे सीएनएस टीएनएस और एएनएस। सीएनएस के अंतर्गत आपको ब्रेन लिखना है, इसका मतलब सिर्फ पूरी आ जाएगी, आपको ब्रेन भी लिखना है, कमिश्नर को लिखना है, वेंट्रल थोरेसिक जो गैंग्लियो है वो भी लिखना रहेगा, और फिर उसके बाद में ये नर्व कोड होता है ये भी आपको लिखना होता है। बात में आती है पीएनएस, पीएनएस कोड है और पीएनएस के अंतर्गत क्या लिखना होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो कहां जाती है, परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र को जाती है। तो इसके अंतर्गत फ्रॉम ब्रेन यानी कि ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं सबसे पहले होती है एंटीरियर नर्व जिसे हम इस प्रसंगिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रसंगिका की जो नर्व है वो प्रसंगिका को जाती है, साथ ही से एक और नर्व निकलती है जिसे स्टेटोसिस के नाम से जाना जाता है। ये पंप पेयर जो होती है एक जोड़ी के अंतर्गत होती है। सही नर्व बात करें तो ओपिक नर्व है ये इसकी जो कंपाउंड लाइन होती है यानी कि जो लेंथ होता है उस लेंथ को ओपिक नर्व जाती है, जबकि इसके नीचे जो ऑप्टेलरी हुआ है ये कहा जाती है आई के विस्तार को जाती है। तो आई के विस्तार जो होता है उसका लेंथ ब्रेथ होता है उस लेंथ नर्व को ये नर्व जाती है। फिर उसके बाद की आ जाती है एंटीना नर्व, ये किसको जाती है संगीता को जाती है एंटीना को जाती है। फिर उसके बाद आती है टेजुमेंट्री नर्व, ये जो टेजुमेंट्री नर्व है इसको अज्जा आवरण के नाम से भी आप जानते हैं, इसका जो आवरण होता है कवचा वो ये जानते हैं। उसके बाद कुछ तंत्रिकाएं निकलती तंत्रिकाएं ये कमिश्नर यानी कि संयोजिका बनाती है और वो कौन बनाती है नसिका के चारों तरफ झुलकर। उसके बाद में इससे जो तंत्रिका निकलती है वो आंतरिक अंगों में जाती है और इसको संयोजिका यानी कि संयोजिका इसको जुड़े देती है। सर्वम तंतु इसको जुड़े कनेक्शन के नीचे वेंट्रल पोजीशन जेंटली होता है जिससे क्लेवर जोड़ी से कनेक्ट करती है और वो क्लेवर जोड़ी के आपको बता चुका हूं। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है
होता है, ये नर्व बोर्ड होता है, इसमें छह जोड़े गुच्छे होते हैं, प्रत्येक गुच्छे से एक जोड़े की तरफ है, तीन मेगापोड्स को, एक प्रसारण पेशी को, एक अपोष्टि को और एक उसमें जाती है ओवोपोड को, एक जाती है टेलीसेल को और एक जाती है पिंड को। तो इस प्रकार से हमारा जो तंत्रिका तंत्र और इस तंत्रिका तंत्र के स्थान के आज हमारा जो नाम है वो नाम कंप्लीट हो गया। यूनिट में आप अगर मेटामॉर्फोसिस यानी कि कीटों में कायांतरण मैच होते रहेगा उसके बाद में ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सबका बात करूँगी।